नवादा थाना क्षेत्र के कदीरा मोड़ स्थित एक्सिस बैंक की शाखा में बुधवार को सुबह 10:30 बजे लुटेरे लूटपाट की नियत से घुस जाते हैं। उसके बाद बैंक के स्टाफ को बंधक बना लेते हैं और रूम में बंद कर देते हैं और कैश काउंटर से 16 लाख रुपए लेकर के फरार हो जाते हैं। उसके बाद बैंक कर्मी पुलिस को सूचना देते हैं कि लुटेरे हमको बैंक में जो है बंद कर दिए हैं और हम लोग जो है एक रूम में बंद हैं, आप जल्दी से आइए। पुलिस आनंद फानन में वहां पहुंचती है और पहुंचने के बाद वहां मौके देख करके जो है चारों तरफ जो है घेराबंदी कर देती है और घेराबंदी करने के बाद उसको आशंका होता है कि वहां पे जो है फायरिंग भी हो सकती है, तो उसको लेकर के बुलेट प्रूफ जॉकेट भी मंगा ली गई थी और मंगाने के बाद चारों तरफ में तैयारी कर ली गई थी कि अगर लुटेरे कहीं से भी फायरिंग करते हैं तो उसकी जवाबी कार्रवाई के लिए पुलिस और एसपी साहब एकदम तैनात हो जाते हैं कि हम किसी भी कीमत पर लुटेरे को बकसने वाले नहीं है। लेकिन चारों तरफ घेराबंदी करने के बाद वो इंतजार करने लगते हैं कि अगर लुटेरे बाहर निकलेंगे तो हम उसको जो है वहीं पे गोली मार देंगे, लेकिन लुटेरे का कहीं पता नहीं चलता है। अब ये धीरे धीरे देख करके एक कन्फ्यूजन हो जाती है और लुटेरे को जब इंतजार करते हुए देखते हैं तो लगता है कि लुटेरे तो यहाँ पे है ही नहीं। लुटेरे तो आए थे और 16 लाख रुपए 4 मिनट के अंदर लूट करके फरार हो गए थे और बैंक के जो मैनेजर साहब थे वो तो कोठरी में बंद कर दिए गए थे। तब उनको लग रहा था कि लुटेरे अभी तक लूट ही रहे हैं और उन्होंने जब पुलिस को बताया कि लुटेरे हमको बंद कर दिए हैं तब जो है उनको लगा था कि अभी तक लुटेरे अंदर हैं। लेकिन पुलिस जब अंदर जाती है तो वो लोगों को बैंक के जो कर्मी है सबको छुड़ाती है और छुड़ाने के बाद में कहती है कि लुटेरे कहाँ है। जब सारे जगह में सीसीटीवी कैमरे की जांच होती है तो लुटेरे को समझ में आता है कि लुटेरे जो आए थे वो तो 4 मिनट में ही पूरा का पूरा बैंक का जो कैश काउंटर था सबको खाली करके फरार हो चुके हैं। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल होता है और सभी लोग को पता होता है कि लुटेरे बैंक के अंदर हैं, लेकिन लुटेरे तो 4 मिनट के अंदर पूरा फरार हो गए थे। एसपी साहब भी वहां पे खड़े होकर के इंतजार करते रह गए और उनको भी एक बार कंफ्यूजन हो गया कि हमको सूचना जो मिली थोड़ा सा लेट में मिली, अगर हम पहले आते तो लुटेरे जो आए थे एक्सिस बैंक की जिस शाखा में उसने घुस करके इस घटना को अंजाम दिया और लूटपाट की, हम उसको रंगे हाथों पकड़ लेते। लेकिन इतनी सारी तैयारी जो है बिहार पुलिस की देखती रह गई और लुटेरे जो है 16 लाख रुपए लेकर के फरार हो चुके थे। सारे जगह इस प्लान का जो है चर्चा हो रही है कि लुटेरे आखिर कितने शातिर लुटेरे थे कि 4 मिनट के अंदर जो है पूरा का पूरा बैंक खाली करके चले गए और पुलिस को भी जाते जाते कंफ्यूजन में करके चले गए कि पुलिस भी नहीं समझ पाए कि लुटेरे बैंक के अंदर हैं या लुटेरे जो है वो बैंक को खाली करके चले गए हैं। सारा जगह में बिहार पुलिस की आलोचना हो रही है कि बिहार पुलिस को यही पता नहीं था कि लुटेरे जो हैं बैंक के अंदर हैं या बैंक के बाहर हैं, तो लुटेरे बताइए लुटेरे से ये किस तरह से हमको सुरक्षा मुहैया करवाएगी। खैर, इस पूरे मामले को लेकर के आपका क्या कहना है, आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।